प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई के कोरोना वार्ड में भर्ती बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं हाल ही में कनिका कपूर की 5वीं कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट सामने आई जिसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला। कनिका के फैंस काफ़ी ज़्यादा इस दौरान परेशान हो गए और अब कनिका ने संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान और बाकी जिम्मेदार अफसरों से बात करने की इच्छा जताई है। कनिका ने अपने वार्ड के डॉक्टर और बाकी कर्मियों से ये बात कही। कनिका ने स्टाफ से कहा कि मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ, हालांकि अभी तक किसी ऑफिसर ने कनिका कपूर से बात नहीं की है। एक दो बार दोबारा पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर्स ने कनिका के इलाज के साथ ही उनके खान पान में बदलाव किया। कनिका को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली खान पान की चीज़ें दी जा रही हैं। खाने में उन्हें विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा कर दिया जा रहा है। खान पान में जब से बदलाव किया गया है कनिका की सेहत में लगातार सुधार होने की खबर आ रही है और इन्हीं सब की वजह से अब बुखार, सर्दी और खांसी जैसे कोई लक्षण उनमें नज़र नहीं आ रहे। बता दें आपको, मंगलवार को 5 संदिग्ध के नमूनों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब इन सबके बीच में डॉक्टर एक बार फिर से कनिका कपूर की डाइट में बदलाव कर रहे हैं और साथ ही कनिका कपूर का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि कनिका की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो रही है। हालांकि आपको बता दें, कनिका जब शुरुआत में अस्पताल में एडमिट हुई, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स उन्हें लेकर नेगेटिव रिएक्शंस दे रहे थे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कनिका हॉस्पिटल स्टाफ के साथ ज़रा भी एडजस्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि कनिका में पहले से थोड़ा सुधार आया है, व्यवहारिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।